नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चमार रेजिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं और यह भी बताने वाला हूं कि आखिर चमार रेजिमेंट को बंद क्यों कर दिया गया। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सरकारी अभिलेखों से पता चलता है कि आधिकारिक तौर पर चमार रेजिमेंट का गठन 1 मार्च 1943 को हुआ था। उस समय 27वीं बटालियन दूसरी पंजाब रेजिमेंट को परिवर्तित किया गया था। चमार रेजिमेंट उन सेना इकाइयों में से एक थी जिन्हें कोहिमा की लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था। 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त चमार रेजिमेंट को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, जो कि 1943 से 1946 तक अपने अस्तित्व में रही। सेना के रूप में 3 साल ही इस रेजिमेंट ने अपना जौहर दिखाया। चमार सैनिकों में मुश्किल से मुश्किल युद्ध को जीतने का मादा रखते थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने होनहार सैनिक कैसे चमार जाति के लोग हो गए। इसका मतलब चमार पहले से कहीं न कहीं बलशाली जरूर रहे होंगे और सैनिक अस्तित्व में ये रेजिमेंट काफी समय पहले से ही रही होगी, या फिर चमार जाति के लोग पहले से ही सैन्य सेवा दे रहे होंगे। रही सही बात एक ही है कि कहीं न कहीं ऐसी बातें सामने आती हैं कि ये रेजिमेंट काफी समय पहले से थी। चमार रेजिमेंट 23वें भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा बनाई गई। 1944 के मध्य में रेजिमेंट की पहली बटालियन नागालैंड में इंपीरियल जापानी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए बर्मा अभियान के लिए प्रतिबद्ध थी। लड़ाई 3 महीने तक चली और बड़ी ही बहादुरी के साथ जीत दर्ज की गई। उसके बाद चमार रेजिमेंट ने कोहिमा की लड़ाई में भाग लिया। क्या आप जानते हैं कि चमार रेजिमेंट को आखिरकार खत्म कर दिया गया, लेकिन क्यों? बताया जाता है कि एक समय था जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को बैन कर दिया था। आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा। उस समय चमार रेजिमेंट को कैप्टन मोहनलाल कुरीर लीड कर रहे थे, जिन्होंने साफ साफ देखा कि कैसे चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे देशवासियों को मरवा रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने इसको INA में शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने 1946 में तब जाकर इनको बैन कर दिया। अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों सैनिकों की जान गई, तो कुछ म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में इधर इधर ही भटक कर रह गए, और जब पकड़े गए तो उनको भी मार दिया गया। 1946 में चमार रेजिमेंट को भंग करने के बाद कैप्टन मोहनलाल कुरीर को भी बंदी बनाया गया, पर फिर आजाद भारत में उनको रिहा कर दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरीर पहली बार इलेक्शन में साल 1952 में खड़े हुए और उनरवा की सफीपुर विधानसभा से वो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इस प्रकार दोस्तों चमार रेजिमेंट भंग कर दी गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चमार रेजिमेंट दोबारा से आनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।